खबर शामिल करते हैं। गुजरात से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर सैफ अनवर जप्पा, चीफ ऑफिसर महमूद इकबाल गोंदल थे। चार्ज इंचार्ज रेवरेंड फादर ने दुआ करवाई, जबकि मसीही बरादरी से तलक रखने वाले मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से आफ्ताब राठौड़ की इस रिपोर्ट में। जी, गुजरात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर सैफ अनवर जब्बा, चीफ ऑफिसर महमूद इकबाल गोंदल थे। चर्च इंचार्ज रेवरेंड फादर ने दुआ करवाई, जबकि मसीह बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी ने मसीह बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा, इन्हें मुबारकबाद पेशी और तहफ दिए। इस मौके पर खताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर सैफ अनवर जब्बा ने कहा कि तमाम मजाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में मसीह भाई तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबा जात में नुमाया खिदमात सर अंजाम देकर मुल्की तरक्की में अपना करदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के मसीह मुलाजमीन दीगर अफसरान और मुलाजमीन की तरह अदारे का अहम हिस्सा हैं, जो शहर की बेहतरी और खूबसूरती के लिए भरपूर मेहनत करते और जिम्मेदारी से अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। जिले इंतजामिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात इनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। आफ्ताब राठौर, कॉरेस्पॉन्डेंट गुजरात। उन्होंने बड़ी अच्छी दुआ की और आज की इस हमारी तकरीब में शामिल हुए। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के पाकिस्तान में और इस अजीम मुल्क में जो हमारे अकलियती बिरादरी है, जो अकलियतें हैं, मसीह भाई हैं या बाकी अकलियतें हैं, उन सब को इज़्ज़त और कदर की नज़र से देखा जाता है। मसाइल ज़रूर अपनी जगह पे हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम, यहाँ जो अक्सरियती आबादी है या कौम है या जो मज़हब है, मुसलमान यहाँ हैं, उन्होंने हमेशा बड़ी कदर और इज़्ज़त से मसीह भाइयों को रखा है और इज़्ज़त से देखा है, और मसीह भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों को हमेशा इज़्ज़त और प्यार मिला है। आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, आपके दर्द हमारे दर्द हैं, और जिस तरह आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस तरह आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और स्पेशली अगर मैं कहूँ कि पीछे जब ये कोविड का फेज़ वन शुरू हुआ, जो उसमें आप लोगों ने खिदमात सर अंजाम दी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोग सरकारी महकमे, उनके अफसरान एहलकार दफ्तरों में नहीं आते थे, लेकिन आप लोग हमेशा ड्यूटी पर रहे और आप लोगों ने बड़ी उसमें नुमाया खिदमात अंजाम दी। और स्पेशली मैं ये कहूँ कि अगर फेज़ वन में जितना कोरोना का डर था, अपने प्यारे भी डेड बॉडीज़ को हाथ नहीं लगा रहे थे, दूर थे, भागते थे, उसमें आप लोगों ने उनको इज़्ज़त और तकरीम से उनकी तदफीन भी की, जो भी ज़िम्मेदारी दी गई आप लोगों ने बड़े अहसन तरीके से निभाई। और अभी भी मैं अगर गुजरात की बात करूं तो यहाँ भी आप लोग माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और जब मैं आपकी फ़ोटो देखता हूँ रात को, जब शदीद सर्दी में लोग घरों में आराम कर रहे हैं, आप लोग लोगों की सहूलत के लिए ठंडे पानी में उतर रहे हैं, ये बड़ा बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ी बात है जिसकी कदर करनी चाहिए। मैं तो करता हूँ, बाकी को भी यही गुजारिश है कि इस की कदर करें। और जो यहाँ हमारे पास कॉरपोरेशन में जितने मुलाजमीन हैं, उनके भी सीईओ साहब को मैंने कल भी कहा था कि चूंकि ईद आ गई है तो जो जो इनके जायज़ मुतालबात हैं हम वो भी माने, जो इनकी खुशियाँ हैं।